Hello friends, welcome to KEC India. As you know, this is Keshav Sharma. So friends, आज हम बात करेंगे फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर. फोटो ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसका वर्किंग क्या होता है, इसे सर्किट में कैसे यूज किया जाता है और कहां कहां हम इसको यूज कर सकते हैं. देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप अपने डिस्प्ले में देख रहे हैं, ये फोटो ट्रांजिस्टर है. ओके, ओके फ्रेंड्स, इसका तीन टर्मिनल रहता है, एमिटर, बेस, कलेक्टर. इसका जो बेस का डोपिंग होता है वो एमिटर और कलेक्टर से काफी ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी इस पर फोटॉन्स पड़ते हैं या कोई प्रकाश पड़ता है या कोई अलग तरीके का कृत्रिम, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल, हम कोई भी इसे सिग्नल देते हैं, तो हमारा जो बेस है वो ही उसे सिलेक्ट करके और करंट का फ्लो कराता है. इस तरीके से हमारा पूरा ये फोटो ट्रांजिस्टर वर्क करता है. ओनली बेस के ऊपर ये पूरा फोटो ट्रांजिस्टर वर्क करता है. सो फ्रेंड्स, अब हम इस फोटो ट्रांजिस्टर का यूज करके एक सर्किट बनाते हैं. ओके, ये देखिए, मैंने फोटो ट्रांजिस्टर का यूज करके एक सर्किट तैयार किया है. इसमें क्या है, ये एलईडी लगी हुई है और ये एलईडी जब भी इस पर कोई भी अलग से मैं सिग्नल दूंगा तभी ग्लो करेगी, नहीं तो ये बंद रहेगी. ओके, एज ए हम बोल सकते हैं रिमोट कंट्रोल. सो फ्रेंड्स, डायग्राम के अकॉर्डिंग अब हम सर्किट बनाते हैं. ये रहा मेरा एलईडी, रेजिस्टेंस लगा हुआ 1 kΩ का. ये रहा मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो कि ये लगा हुआ है. इस कैपेसिटर का काम है दोस्तों कि ये जो एलईडी के लिए करंट जाएगा उसे एक फ्लो में ही भेजेगा, एक तरीके से कि जैसे हम इसे सिग्नल देते हैं तो कभी सिग्नल ज्यादा हो गया या कभी कम हो गया सिग्नल, तो ये करंट को मतलब कम ज्यादा नहीं करेगा, ये एक इक्वल करंट को एलईडी तक पहुंचाएगा. इसलिए हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं. ओके, देख लीजिए, एंड एलईडी तक जाने वाले वोल्टेज को इक्वल बनाए रखेगा. फ्रेंड्स, कैपेसिटर का जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक का, और छोटा वाला नेगेटिव होता है. आप इसे यहां से भी देख सकते हैं, ये नेगेटिव बना हुआ है ना, तो ये छोटा वाला टर्मिनल जो है ये नेगेटिव होगा. ओके, अब मैं सर्किट में लगा रहा हूं. फ्रेंड्स, इस पॉजिटिव को और इसके बेस को मिलाने के लिए और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के पॉजिटिव को मिलाने के लिए मुझे यहाँ पर एक जम्पर लगाना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, देखिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने सर्किट को बना लिया है. अब हम इसकी पावर सप्लाई कनेक्ट करके फाइनल टेस्टिंग शुरू करेंगे. इसके लिए मुझे चाहिए एक टीवी का रिमोट या फिर किसी भी डिश, टीवी किसी का भी रिमोट चल सकता है जो कि एक आर्टिफिशियल सिग्नल जनरेट करता है इंफ्रारेड एज ए. देखिए फ्रेंड्स, जब भी मैं रिमोट से फोटो ट्रांजिस्टर को सिग्नल देता हूँ तभी हमारा एलईडी ग्लो होता है. सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से फोटो ट्रांजिस्टर का वर्क हमारा टीवी वगैरह में यूज किया जाता है. ओके दोस्तों, मैंने भी आपको फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में बताया. आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मेरे न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सबसे पहले देख सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.